हेलो दोस्तों, KPSITM में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे ITI अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है। इसमें टोटल वैकेंसी नंबर आप देख सकते हैं 3366, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट की वैकेंसी निकाली है रेलवे ने ITI अप्रेंटिस के लिए। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे नोटिफिकेशन पे जाके। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी पता लगे जो उन बच्चों को अभी पता नहीं है। और दोस्तों, ITI से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं और जो इसमें हम लोग बात करते हैं, जो स्टार्टिंग डेट है वो 4/10/21 से है। 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वो 3/11/21 तक, वो 6 बजे तक, 6 PM तक, 6 बजे तक अप्लाई होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब जब इसमें आप लिस्ट जो सिलेक्टेड होंगे उनका लिस्ट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 18/1/21 को। अब इसमें देख सकते हैं दो नंबर पर लिखा हुआ है कि 1961 और 1962 अप्रेंटिस रूल के तरफ से लिया जा रहा है, जो रूल है अप्रेंटिस का उस रूल हिसाब से लिया जा रहा है। अब नीचे चल कर देखते हैं कि इसमें कितना नंबर वैकेंसी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिटर का है 281, वेल्डर का है 61, और देखिए बाकी सब ट्रेड का भी दिया हुआ है। और इसमें टोटल नंबर वैकेंसी का टोटल बात करें तो ये 659 है। ये जो है हावड़ा डिवीजन में है, ये जो वैकेंसी है ये हावड़ा डिवीजन में है, अलग अलग डिवीजन में बटा गया है इस तरह को। और इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया हुआ है, देखिए जनरल का दिया हुआ है, SC का दिया हुआ है, ST का, OBC का, EWS का, PW, BD का, ESM का, सबका अलग अलग दिया हुआ है। अब सियालदह डिवीजन में देखिए टोटल वैकेंसी है जो 1123, इसमें जो फिटर इलेक्ट्रिशियन का जो पोस्ट है वो है 430। अब देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भाग किया गया है कि इसमें कितना है, अब देख सकते हैं बाकी सब ट्रेडों का भी दिया हुआ है। अब आसनसोल डिवीजन में जो टोटल नंबर वैकेंसी से है वो है 167, इसमें जो फिटर का रखा गया वो 61 है, टर्नर का है 6, वेल्डर का भी देख सकते हैं 39 है, इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और नेक्स्ट चल के देखते हैं हम लोग, ये जो मालदा डिवीजन है इसमें भी इलेक्ट्रीशियन का दिया हुआ है 16, इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, इसमें 43 पोस्ट है, आप देख सकते हैं फिटर का 19 है इसमें। और नेक्स्ट चल के देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कांचोरा पारा वर्कशॉप में दिया हुआ है, कांचोरा पारा वर्कशॉप में दिया हुआ है। देखिए इसमें टोटल वैकेंसी भी वर्कशॉप का है, ये डिवीजन नहीं है, ये वर्कशॉप है। तो ये यहाँ पे वर्कशॉप पे दिया हुआ है टोटल वैकेंसी 190, जो जिन लोगों को वर्कशॉप पे काम दिया जाएगा। और देख सकते हैं कि लिलुआ वर्कशॉप में जो है उसमें भी देखिए टोटल नंबर वैकेंसी 85 है, ट्रेड बाय ट्रेड भाग दिया गया है और कैटेगरी बाय कैटेगरी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जमलपुर वर्कशॉप में भी दिया गया है, ये सारा वर्कशॉप का है और वो जो पहले ऊपर में था वो सब डिवीजन का है। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन जो जो है वो तो बता दिए हम, एक हो गया हावड़ा डिवीजन, हावड़ा डिवीजन में जितना है वो 659 पोस्ट है और सियालदह में है 1123, और सब में कैटेगरी बाय कैटेगरी बटा गया है। अब देख सकते हैं इसमें जो ये डिवीजन है आसनसोल डिवीजन में 167, और जो ये मालदा डिवीजन है उसमें दिया गया है 43, और जो कंचरा पारा है वर्कशॉप उसमें देखिए ये वर्कशॉप है इसमें 190 है, लिलू वर्कशॉप में भी यहाँ पे देख सकते हैं 85 है। अब जमालपुर वर्कशॉप में भी देखिए, जमालपुर वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे 678, मतलब वर्कशॉप में इसमें भी कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें एज क्या मांगा है, इसमें जो एज मांगा है वो मांगा है 15 से 24 वर्ष तक का ही अप्लाई कर सकते हैं, और
जैसे यहाँ पे रूल के हिसाब से दिया हुआ है लिमिट रिलैक्सेशन, जिसका जितना छूट होता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। SC ST का 3 साल दिया हुआ है, OBC का भी देख सकते हैं, SC ST का 5 साल दिया हुआ है सॉरी, और OBC का 3 साल दिया हुआ है, और बाकी सबका देख सकते हैं कि 10 ईयर्स का दिया हुआ है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है 10th चाहे 12th हो, इसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और चाहे NCVT और SCVT से ITI की हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 50% होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 8 क्लास पास फ्रॉम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्कूल एंड नेशनल ग्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड स्टेट इश्यूड बाई NCVT, उधर में जो उन लोगों का जो जो 8 पास है, उन लोगों का जो मार्क्स है वो जो ट्रेड में मार्क्स है वही मार्क्स से हिसाब से लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया है 8 पास का, उन्हीं लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डर का हो गया, शीट मेटल वर्क हो गया, इनमेन का हो गया, वायरमैन का हो गया, कारपेंटर का हो गया, पेंटर का हो गया, ये सब अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते हैं जो 8 क्लास पास करके जिन्होंने ITI किए हैं उन लोगों के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी बीन इन पोर्सन ऑफ द, ये तो क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, डेट इश्यूज और नोटिफिकेशन। अब मेडिकल जो फिटनेस आपका जो होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, और जो यहाँ पे और चीज देखिए नीचे मांगा गया है उसके बारे में बता देते हैं, जो इसमें देखिए ये नहीं है, चलिए नीचे देखते हैं, नीचे चलते हैं, हाँ यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का होने वाला है वो 10th में जितना नंबर आया है उस हिसाब से होगा, 10th और ITI में उस हिसाब से आप लोगों को लिया जाएगा। वो 8 क्लास का भी सेम टू सेम ही है, ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे, मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपको लिया जाएगा। इसमें जो फी रखा गया है वो जनरल के लिए है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और आप लोग के जल्दी ही फॉर्म फिलअप का वीडियो लाएंगे, तब तक लिए जय हिंद।